हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्वाद का तड़का में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इंस्टेंट टी टाइम स्नैक, रवा पोटैटो रोल। दोस्तों, चाहे बारिश का मौसम हो या फिर 4 बजे वाली भूख हो, चाय के साथ चटपटी चीज़ें खाना हमेशा ही मज़ा देता है। तो झटपट ये डिश सीखते हैं और चाय के साथ इंजॉय करते हैं। दोस्तों, आपका सपोर्ट हमें आपके लिए यूनिक रेसिपीज लाने के लिए एनकरेज करता है, इसलिए प्लीज़ स्वाद का तड़का को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए एक नज़र डालते हैं इस रेसिपी में लगने वाले इंग्रेडिएंट्स पर। दोस्तों, इस डिश का मेन इंग्रेडिएंट है 1 बाउल बारीक रवा। इसके अलावा हमें लगेगा 2 मीडियम साइज के बॉयल्ड आलू, और हमें लगेगा बारीक कट किया हुआ कोरिएंडर लीफ, 2 हरी मिर्ची, 5 से 6 लहसुन की कली, पिज़्ज़ा एंड पास्ता सीजनिंग, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और ऑयल। सबसे पहले हम रवा रोस्ट करेंगे। उसके लिए गैस पे एक पैन रखेंगे और उसमें रवा डालेंगे और उसे 3 से 4 मिनट सेकेंगे। जब तक रवा रोस्ट हो रहा है, हम लहसुन और हरी मिर्ची को क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं या फिर इसको बारीक कट भी कर सकते हैं। मैंने हरी मिर्ची और लहसुन को क्रश कर लिया है। करीब 3 से 4 मिनट सेकने के बाद रवा भी अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम इसको एक पॉट में निकाल लेंगे। अब हम रवे का डो बनाएंगे। उसके लिए हम गैस पे सिम फ्लेम पे एक पैन रखेंगे और उसमें 1 छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें लहसुन और हरी मिर्ची डालेंगे और इसे हल्का गुलाबी होने तक सेकेंगे। लहसुन और हरी मिर्ची अच्छे से सेक गई है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। दोस्तों, हमने रवा 1 बाउल लिया है, तो यहाँ पे हम 2 बाउल पानी डालेंगे। अब हम पानी को 1 उबाल आने तक गरम करेंगे। पानी बॉयल हो गया है। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर, करीब 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच पिज़्ज़ा एंड पास्ता सीजनिंग, और थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके रवा डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। रवा का डो रेडी है। अब हम इसे एक पॉट में निकाल लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब हम इसको थोड़ा फैला देंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। डो हल्का ठंडा हो गया है। अब हम इसमें बॉईल किए आलू ग्रेट करके डालेंगे। आलू ग्रेट करने से आलू इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। मैंने आलू अच्छे से ग्रेट कर लिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड करूंगी और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूंगी। डो हल्का स्टिकी लग रहा है, तो मैं इसमें हल्का सा ऑयल डालूंगी और इसे फिर अच्छे से मिला लूंगी ताकि ये चिपके ना। अब हम डो को सिलेंड्रिकल शेप देंगे। इसे शेप देने के लिए हम चॉपिंग बोर्ड यूज करेंगे। सबसे पहले हम चॉपिंग बोर्ड में ऑयल लगा लेंगे ताकि डो इसमें चिपके ना। अब हम डो की छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। इस तरीके से, और इसे चॉपिंग बोर्ड पे रोल करेंगे।
अब चाकू की मदद से इस रोल को छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। मैंने रोल्स तैयार कर लिए, अब हम इसे फ्राई करेंगे। रोल्स को फ्राई करने के लिए मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑयल गरम कर लिया है। अब हम रोल्स को एक एक करके इसमें छोड़ेंगे। हमें इसे हल्का गुलाबी होने तक करीब 1 से 2 मिनट फ्राई करना है। अब हम इसे एक सोप पेपर में निकाल लेंगे ताकि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए। दोस्तों, आप देख सकते हो ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है चटपटे और क्रिस्पी रवा पोटैटो रोल्स। तो इंतज़ार किस बात का, फटाफट इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने नियर एंड डियर वन के साथ शेयर करना ना भूलें। तो जल्द मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग स्वाद का तड़का। थैंक यू, बाय बाय।